एंड वेलकम टू जेबी यूट्यूबर। आज की वीडियो है ड्राई स्किन के लिए। आज की वीडियो है विंटर सीजन के अंदर किस तरह से आप बादाम रोगन का तेल का इस्तेमाल करके अपनी स्किन की ड्राइनेस को दूर कर सकते हो, अपनी स्किन के कलर को फेयर कर सकते हो और आपकी जो भी स्किन की सारी प्रॉब्लम है, जैसे डार्क स्पॉट हो गए, पिगमेंटेशन हो गई, जो भी आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा ये बादाम रोगन तेल। बादाम रोगन तेल के अंदर विटामिन ई की भरपूर मात्रा होती है। ये है वो बादाम रोगन का तेल जिसे मैं यूज़ करती हूँ। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको मिलाने से जो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बादाम रोगन तेल को अगर आप डेली यूज़ करते हो जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में जो आपकी स्किन का कलर है वो फेयर हो जाएगा, पिगमेंटेशन दूर हो जाएगी। और ड्राई स्किन की तो प्रॉब्लम होती है लगभग, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा फटती है, उनके लिए तो ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको बादाम रोगन तेल को किस तरह से इस्तेमाल करना है और उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ मिलानी है जिससे जो आपकी स्किन है वो एकदम ग्लो आपकी स्किन के अंदर आए। तो चलिए, मेरी जो स्किन है वो भी ड्राई है, लेकिन मैं आपकी अगर ना ड्राई स्किन है ना आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तब भी आप, मैं जो बता रही हूँ आप उसको यूज़ करके अपनी स्किन की सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है स्पेशली, उसको दूर कर सकते हैं। ये एक दिन में नहीं होगा फ्रेंड्स, आपको इसको डेली रूटीन में शामिल करना होगा और आपको इसको रोज़ाना यूज़ करना होगा। तो जी, हम सबसे पहले इस तरह से एक बाउल ले लेंगे। हम यहाँ उसमें मिलाएंगे ये बादाम रोगन तेल। मैं बादाम रोगन तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, या ज़्यादातर मैं कोकोनट ऑयल या जैतून का तेल का इस्तेमाल करती हूँ। आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में जाकर देखा है कि मैंने इसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा किया है। तो अब अगर आप ये वीडियो मेरी और भी देखना चाहते हैं कि जैतून के तेल का क्या क्या यूजेज है, तो आप ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दिया गया, आप जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो दूसरी चीज़ मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो आपकी पिगमेंटेशन को दूर करते हैं, डार्क स्पॉट को दूर करता है और आपकी स्किन के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, एक्ने, पिंपल वगैरह, उसकी प्रॉब्लम को ये दूर करता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ये एलोवेरा जेल इसके अंदर डाल लेंगे। तीसरी चीज़ मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ वो है फ्रेंड्स गुलाब जेल, रोज़ वाटर, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे टोनर का काम करता है और आपकी स्किन के जो पीएच बैलेंस होता है, जो आपकी स्किन का पीएच बैलेंस का मतलब होता है, जो आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा डार्क पड़ जाती है तो उसको ये ठीक करता है। तो चलिए हम मिला लेंगे इसके अंदर गुलाब जेल, और गुलाब जेल हमें थोड़ा सा ही मिलाना है। क्वान्टिटी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से मिला बना सकते हैं। आप अगर ज़्यादा दिनों के लिए बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ये गुलाब जेल ऐड कर लूँगी और अब हम इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो जी, हम अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे और इसको एक कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह की ये हमारी क्रीम बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये क्रीम बनकर रेडी हो गई है। आपको इसको लगातार लगाना है तभी इसका देखेंगे आप, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को ये दूर कर देगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, अगर आप ये कहते हैं कि रात को लगाए और सुबह हो रहे होंगे तो ऐसा नहीं होता, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। तो आपको अपनी स्किन के रूटीन के अंदर इन चीज़ों को शामिल करना होगा। और बादाम खाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो अगर आप इसे खाते हैं तब भी आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, ग्लोइंग होगी। इससे आपका कलर का कोई संबंध नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन काली है या गोरी है, लेकिन आपकी स्किन अगर काली है या गोरी है उसके अंदर ग्लो नहीं है तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है स्किन। तो इसके लिए ग्लो होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे जो कलर भी आपका लाइट होगा कुछ और आपकी स्किन पर ग्लो भी आएगा, पिगमेंटेशन भी दूर होगा, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप इसे नाइट में इस तरह से अपने चेहरे पर मसाज करने के बाद सो जाइए और आप इसे डेली यूज़ कीजिए, तो आप देखेंगे आपके चेहरे पर बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी और आपकी जो एजिंग की समस्या है, आपकी आंखों के आसपास जो रिंकल की प्रॉब्लम हो जाती है, फाइन लाइंस हो जाती है उम्र बढ़ने के साथ, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ। इससे जो आपकी एज है वो आपकी एज से आप 5 साल कम दिखोगे, क्योंकि अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हो तो आपकी स्किन के जो रिंकल की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और रिंकल की समस्या बहुत कम आएगी, लेकिन लेट आएगी। जैसे आप अपनी उम्र से काफ़ी हद तक
कम दिखोगे फ्रेंड्स, अगर आप अपनी स्किन की केयर करते हो तो। इसके लिए आपको दिन में पानी का यूज़ बहुत करना होगा, ताकि जो कम से कम आप दिन में 4-5 लीटर आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए, जिससे जो आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग होगी, एकदम साफ़ सुथरी होगी और एंटी एजिंग की जो समस्या होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो ये देखिए कितना अच्छा ग्लो आ गया है मेरे चेहरे पर और एकदम स्किन है वो एकदम चमकदार हो गई है। तो आप इसको रात को लगा कर सो जाइए और सुबह आपकी स्किन पर अगर आप इस तरह से हाथ भी लगाते तो आपको फर्क साफ पता चलेगा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, मेरा दावा है कि आप अगर इस रेमेडी को यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन आपको इसको डेली रूटीन में शामिल करना होगा और 15 दिन बाद ही आपकी स्किन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को आप प्रेस करना भूल जाते हो फ्रेंड्स तो उसको प्रेस जरूर कर देना। इसी तरह से प्यार बनाए रखना। थैंक यू दोस्तों।